दिस इज दर्ड लेक्चर ऑन कल्चरल स्टडीज तो इसमें अब मैं राइटर्स से स्टार्ट करूंगा अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो देख लो जाके दो लेक्चर्स है मैंने बनाए हैं इससे पहले ऑन कल्चर स्टडीज बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन दी है अगर वो लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं वो चीजें आप नहीं समझे हो तो इस लेक्चर को देखकर कोई फायदा है नहीं ठीक है तो इसमें मैं बात करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई साहब है रिचर्ड ही होगा बॉर्न इन नाइनटीन एटीन ठीक है

CCCS, क्या है सेंटर फॉर कंटेम्प्री कल्चरल स्टडीज एट फाउंडर था मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि Stuart Hall उसका वो था लेकिन Stuart Hall भी था लेकिन भी बट ही वॉज डायरेक्टर ठीक है जी पहला था ये ये याद रख लेना ठीक है फर्स्ट डायरेक्टर तो इसने जो बुक लिखी थी मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया था पहले वाली यूजेस ऑफ लिटरेसी और मैंने बताया था कि इसका नाम होगाट का नाम योगर्ट से याद रखना है। योगर्ट की स्पेलिंग ये होती है वाई ओ जी यू आर टी योगर्ट होता है दही ठीक है दही टाइप तो दही मैंने कहा था कि मेरे दादी अनपढ़ है वो दही जमाते हैं ये काम करते हैं लेकिन उन्हें ढंग से नहीं आती है तो उन्हें थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा उनसे लिटरेट करना पड़ेगा इसीलिए उन्हें लिटरेसी का यूज करना पड़ेगा तो यूज ऑफ लिटरेसी 1957 में इसकी बुक आई थी तो इस बुक में इसने क्या किया ही टॉक्ड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन क्लास एंड कल्चर ठीक है क्लास एंड कल्चर इन दो चीजों के रिलेशनशिप की बात की इसने कौन सी बुक में यूजेस ऑफ लिटरेसी ये जो बंदा था ये अलोंग विद रेमंड विलियम्स एंड ईपी थॉमसन इनको भी मैं अलग से डिस्कस करूंगा दो वीडियोस में ठीक है रेमंड याद करने ऐसी मैं लिख लेता हूं थोड़ा आपको दिख जाएगा याद रह जाएगा रेमन ये मैंने पहले बताया पिछली वाली वीडियो में रेमन विलियम्स और ईपी e. थॉमसन के साथ इसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है स्टुअर्ट हॉल तो है ही है ठीक है तो इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज में ठीक है तो ब्रिटेन का ये बंदा था यूज ऑफ लिटरेसी इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है मैं चार वर्क और बताऊंगा आपको इसके ठीक है वो लास्ट में बताऊंगा मैं और ये सारी चीजें हैं इसकी ठीक है तो, तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं इसने ये क्लास और कल्चर के रिलेशनशिप की बात की है अपनी ऑफ टू पार्ट्स में डिवाइडेड है थोड़ा लिटरेरी अच्छा तो क्रिटिसिज्म में भी इसका काफी कॉन्ट्रीब्यूशन था ठीक है अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इसने क्या किया ही ऑप्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोज रीडिंग क्लोज रीडिंग का जो कंसेप्ट है वो न्यू क्रिटिसिज्म में भी फॉलो किया गया और जो रीडर रिस्पॉन्स जो क्रिटिसिज्म है उसमें भी ये होता है ना क्लोज रीडिंग की जाती है किसी भी टेक्स्ट की ठीक है तो इसने ये बोला जो concept है ये कहां अप्लाई किया सोशल ऑब्जर्वेशन में सोशल ऑब्जर्वेशन कि भाई सोसाइटी को ऑब्जर्व करना है ठीक है सोसाइटी को ऑब्जर्व करने के लिए इसने ये क्लोज रीडिंग वाला जो है कंसेप्ट फॉलो किया ठीक है अब ये बात क्या करता है ये कहता है कि दैट कल्चर स्टडी इज नॉट टू तो बी फाउंड ओनली इन आर्ट्स ठीक है सिर्फ आर्ट में ना ही आर्ट में ही ना देखी जाए कल्च, कल्चर को कल्चर स्टडीज को सिर्फ आर्ट तक सीमित ना रखा जाए बल्कि इन पीपल्स फूड है ना ड्रेस फैमिली सोशल रिलेशनशिप सोशल रिलेशनशिप ये सारी चीजें भी देखी जाए ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर हाउसेज कैसे वो रह रहे हैं कैसे पहन रहे हैं कैसा खा रहे हैं ठीक है कैसी उनकी फैमिली है ये सारी चीजें होती है जो कि हम कल्चर स्टडीज में देखते हैं सिर्फ आर्ट्स तक सीमित नहीं होते हम देखो ये सेम बात बोल रहा है ही इज टॉकिंग सेम रेमंड विलियम्स ने कहा था कि दैट कल्चर इज नॉट अ हैबिट

इस ये एक बंदे से इन्फ्लुएंस भी हुआ था उस बंदे का मैंने पहले भी बताया आपको कि रेमन विलियम्स और रिचर्ड होगा दोनों उससे इन्फ्लुएंस हुए थे उसका नाम था एफ आर लिविस एंड क्यू डी लिविस ये हस्बैंड एंड वाइफ थे ठीक है इन्होंने एक जर्नल चलाया था स्क्रूटिनी ये भी इंपॉर्टेंट है, है ना स्क्रूटिनी एस सी आर यू टी आई एन वाई स्क्रूटिनी जो जनरल चलाया था इससे काफी आइडियाज लिए रिचर्ड होगार्ड और रेमन विलियम्स ने तो रिचर्ड होगार्ड जो था इससे काफी इन्फ्लुएंस हुआ था ठीक है ये भी इसकी ही कल्चर स्टडीज की बात करता था ये एफ आर लिविस इसने एक वर्क भी लिखा है द ग्रेट ट्रेडिशन शायद उसका नाम उसमें चार पांच इसने नॉवलिस्ट के भी नाम बताए हैं ठीक है ट्रेडिशन कल्चर वगैरह की थोड़ी बहुत इसने बात की है तो इन चीजों से, से ये स्क्रूटनी से काफी इंफ्लुएंस हुआ था अब स्क्रूटनी ने क्या किया था इस जनरल ने एक ब्रिज जो है ब्रिज एक ब्रिज बना दिया था किसके बीच में लिटरेरी टेक्स्ट लिटरेरी टेक्स्ट और पॉपुलर एंड मास मीडिया ठीक है जी लिटरेरी टेक्स और पॉपुलर एंड मास मीडिया मैंने बताया है पिछली वीडियो में पॉपुलर कल्चर क्या है मास कल्चर क्या है मास मीडिया तो आपको पता ही है क्या है टेलीविजन रेडियो न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह ठीक है तो लिटरेरी टेक्स और इन चीजों के बीच में पॉपुलर वो चीज है जो एक टाइम पे जो आपका कल्चर चल रहा है जो भी एक नोशन प्रिवेलिंग आइडिया है वो पॉपुलर कल्चर है इन दोनों चीजों के बीच में एक ब्रिज तैयार किया था किसने ये स्क्रूटनी और ये जो लिविसिज्म था एल ए वी आई एस आई एस एम ठीक है लिविसिज्म जो था जो कि एफ आर लिविस का जो एक आइडिया था आइडियोलॉजी थी उसको लिविसिज्म कहा गया तो इस चीज से ये रिचर्ड हवाड़ काफी इन्फ्लुएंस हुआ था लेकिन कहीं ना कहीं ये इसके अगेंस्ट भी गया ठीक है वो भी मैं आगे बताऊंगा थोड़ा सा अब मैं आपको इसकी एक और बात बताता हूं दैट अकॉर्डिंग टू हिम जो क्योंकि मैंने बताया कि ये यूजेस ऑफ लिटरेसी में किस चीज़ की बात करता है क्लास और कल्चर के रिलेशन की ठीक है अब ये क्या कहता है कि क्लास जो है ठीक है क्लास जो है वो एक कल्चर है क्लास क्या है क्लास एक कल्चर है ना कि एक पोजीशन ठीक है अब देखो इसके आइडियाज जो थे वो मार्क्सिस्ट थे ठीक है वैसे बेसिकली देखा जाए रिचर्ड हॉगार्ड या फिर रेमंड विलियम्स है या फिर स्टुअर्ट हॉल है ये कहीं ना कहीं मार्क्सिस्ट थे ठीक है इसलिए मैंने पुरानी वीडियो में फ्रेंकफर्ट स्कूल भी आपके साथ डिस्कस किया था थोड़ा सा तो ये क्या अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस मार्क्सिस अ इन सोसाइटी ठीक है है किस चीज की सोशल रिलेशनशिप की जो पावर है ठीक है एक जो सोसाइटी में एक पावर एस्टेब्लिश करनी होती है उस पावर को एस्टेब्लिश करने के लिए क्लास मतलब आप गरीब है अमीर है या क्या आपकी क्लास है वो क्या है एक पोजीशन है ठीक है ये क्या कहते हैं मार्क्सरिस्ट कहते हैं ये चीज है है। हाई कल्चर, लो कल्चर की भी बात की थी मैंने पिछली वीडियो में तो वही बात है कि हाई क्लास है या जैसी मर्जी क्लास है वो एक कल्चर का हिस्सा है वो एक पोजिशन नहीं है वो एक कल्चर है वो भी एक ठीक है तो रिचर्ड होगाट ये बात करता है ठीक है जी अब आगे हम चले तो मैं आपको लास्ट में इसके कुछ वर्क्स भी बताऊंगा तो इसका जो वर्क है यूज़ेस ऑफ लिटरेसी उसका जो पहला पार्ट है उस पहले पार्ट में ये यही बात करता है कि एक जो ब्रिटिश जो वर्किंग क्लास बंदा है उसके क्या क्या रोल्स है क्या क्या वो नेबरहुड में क्या कर रहा है सोसाइटी में क्या कर रहा है फैमिली में क्या कर रहा है कैसे खा रहा है कैसे पी रहा है वो सारी चीजें इसने डिस्कस की है फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में इसने क्या डिस्कस किया है कि जो नए नए मीडिया फॉर्म्स है नए नए मास मीडिया के जो नई नई फॉर्म्स आई है उन चीजों को डिस्कस किया ठीक है ये तो यूज़ ऑफ लिटरेसी का मैंने आपको बता दिया इतनी सी बात ठीक है तो अब मैं आपको इसके वर्क्स बताता हूं इतना ही है इसका रिचर्ड होगा कुछ खास है नहीं कुछ वर्क्स है थोड़ी सी चीजें मैंने डिस्कस कर दी आपसे कुछ ऐसी कोई पर्टिकुलर टर्म है नहीं अभी तक जो मैंने पढ़ा उसमें इतनी टर्म है नहीं ठीक है तो जितना मैं बता रहा हूं उतना ही याद रखो आप ठीक है इतना भी आपके लिए काफी अगर इतना भी आपने सीख लिया तो इसके मैं आपको वर्ग बता रहा हूं एक तो यूजेज ऑफ लिटरेसी हो गया नाइनटीन में जो आया है नेक्स्ट वर्ग जो है द द वे वे वी लिव नाउ द वे वी लिव Now, -E, Live Now. ये कब आया? 1995 में, ठीक है? An imagined, an imagined life. अब मैंने भी ये सारे याद किए हैं लेक्चर बनाने से पहले तो आप तो कर ही सकते हो ना तो आपको तो नेट निकालना है आपके लिए तो बहुत जरूरी है ये चीज ठीक है तो निकालना तो मुझे भी बहुत कुछ है मेरा भी, भी जे आर एफ रहा है पर कोई बात नहीं एन इमेजेंड लाइफ नाइनटीन ठीक है इनटीन 1992 में आया नेक्स्ट जो इसका वर्क है वो है बिटवीन टू वर्ल्ड्स बिटवीन टू वर्ल्ड्स अब इसका सब टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है सब टाइटल क्या है पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स एंटी पॉलिटिक्स एंड अनपॉलिटिकल 2001, वन राइट बिटवीन टू वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंटी पॉलिटिक्स एंड ये इसका टाइटल है बहुत इंटरेस्टिंग है तीन ये चार वक्स हो गए लिटरेसी यहां लिख देता हूं आप साथ में ऐसी कंफ्यूजा हो जाओगे. सेवन ठीक है बिटवीन टू वर्ल्ड एक वक्त इसका और बता देता हूं अ लोकल हैबिटेशन Habitation, 1988 ठीक है जी इतने वर्क्स मैंने आपको बता दिए क्योंकि इतना काफी है मेरे हिसाब से और बाकी वर्क्स आप प्लीज इसके गूगल कर सकते हो बहुत सारे पंद्रह बीस बुक्स लिखी है इसने तो अगर आपको और भी इसके वर्क्स याद करने तो आप गूगल पे जाके रिस्ट चेक कर सकते हो और इसको वर्क्स पे रट्टा मार सकते हो तो मैं समझता हूं कि फिलहाल आप इतना ही याद कर र, र, रख सकोगे मैं ज्यादा दूंगा तो आपके दिमाग में बहुत सुनामी आ जाएगी हर चीज़ की है ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी तो ये चीज़ है तो कल्चर स्टडीज ये है अब आपको लगता है कि आपको समझ आ रहा है तो अच्छी बात है आप अगली भी वीडियो देखना मेरे साथ जुड़े रहना सब्सक्राइब भी करना अपने दोस्तों को भी बताना और मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज और फोटोज डालता रहता हूँ मैं वहां पर मेरी एक्टिविटी बहुत खतरनाक है बचपन सी तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है ठीक है तो अगली वीडियो के लिए इंतजार करो थोड़ा और और जुड़े रहो मेरे साथ और तो पूरी सीरीज का मजा लो कल्चर स्टडीज को ना खा जाना है चबा जाना है पचा जाना है ठीक है फिर बाय एंजॉय लाइफ